मानसून के आते ही महाराष्ट्र में दुर्घटनाओं में बाढ़ सी आ जाती है। महाराष्ट्र के लोनावाला में अभी आपने देखा था कि भूसी डैम में 5 लोग एक ही परिवार के बह गए थे, और इसके बाद अब सनसनीखेज एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भी एक युवक देखिए किस तरीके से बह जाता है। ये जो वीडियो है वो पुणे का है, जहां पर तामिनी घाट पर आउटिंग के लिए एक बड़ा ग्रुप गया हुआ था। इस जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके बारे में जो जानकारी मिली है, ये वीडियो बीते शनिवार का है और इलाका है महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ का, जहां पर स्वप्निल दावड़े नाम का एक लड़का है और वो अपने जिम के 32 लोगों के ग्रुप के साथ इस घाट पर, तामिनी घाट पर आउटिंग के लिए गया था। अब इसमें आप देखिए लड़का विलफुली वहां पे कूदता है पानी में और पानी के तेज बहाव के चलते वो बह जाता है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। इस मामले में प्रशासन द्वारा कई घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद आज लड़के का जो शव है वो बरामद हो पाया है। इस तरीके की दुर्घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास के जो फॉल है उसमें इस समय पानी का तेज बहाव होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। अचानक बारिश जो है वो होती रहती है, घाटों पर लगातार बारिश होती रहती है जो हमारी नजर में नहीं आता, और हमें लगता है कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर से आने वाला जो पानी है वो काफी फ्लो में और अचानक काफी तेजी से बहता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस बारे में जानकारी हासिल कीजिए, नहीं तो आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सावधान रहिए और अपने आसपास के जो नोन प्लेसेस है वहां पर जाने की कोशिश कीजिए। अनजाने जगह पर जाने के बाद आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और ऐसी जगहों पर, खतरनाक जगहों पर कृपया बारिश के दिनों में जाने की हिमाकत ना करें, नहीं तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।